गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का पति। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लीडरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या होता है। अब उसी का एक ये पार्ट टू कह सकते हैं इसको, कि लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में केवल पढ़ेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। लीडरशिप स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। जनरली ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर और लासेस फेयर लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर, अब इसमें हमने तीन पिक्चर्स दिए हुए हैं एक एग्जांपल्स के तौर पे, कि ये जिससे आपको अगर उनके बारे में पता होगा, इन पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो आप उससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि ऑटोक्रेटिक लीडर या ये सारे लीडरशिप स्टाइल्स में की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे एडॉल्फ हिटलर, ही वॉज अ चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड रोनाल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही वॉज प्रेसिडेंट इन 1981। तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब जो वो कहता है वही सही है, ठीक। केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, ऑर्डर होता है ऑटोक्रेटिक लीडर का। ऑटोक्रेटिक लीडर में केवल उसको वो किसी से परामर्श नहीं लेता, जो वो कहता है उसे एम्प्लॉइज़ को मानना पड़ता है। और डेमोक्रेटिक लीडर में क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को भी पूरी आज़ादी देता है कि वो अपनी बात कह सकें, वो आकर के कहें, उनका सारा डिसीजन, सारे डिसीजंस या उनसे सारे कंसल्टेशंस लिए जाते हैं, उनके मत भी लिए जाते हैं, ठीक, फिर डिसीजन लिया जाता है। और लासेस फेयर में क्या होता है कि एकदम से उनको अपने एम्प्लॉइज़ को, इसमें मतलब जो मैनेजर होता है या जो भी इस लीडरशिप स्टाइल का ये स्टाइल है, कि इसमें जो पर्सन होता है, जो लीडर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एकदम से फ्री छोड़ देता है। जो मन, जैसा काम मन वैसा कीजिए आप लोग, ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा करे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे। वो तब तक अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करता जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, ठीक। आपको अपने जिम्मेदारी का खुद से एहसास है, उनको वो अपना, वो खुद ही मोटिवेशन का काम करता है। लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले, एक अपने इंडिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट काम करें, फ्रीली काम करें। वो अपने पावर का तब इस्तेमाल करेगा जबकि ज़रूरी होगा, जब लगने लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक। तो आई होप दैट दीज थ्री लीडरशिप स्टाइल्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आइए कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं या उसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर, इसमें क्या होता है, ही गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दोज ऑर्डर्स। इसमें केवल ऑर्डर्स दिए जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स की बस उसे फॉलो करे, ठीक। लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक में क्या है कि दिस लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स। इसमें एक्शन प्लान बनाया जाता है, जो भी प्लानिंग किया जाता है उसमें कंसल्टेशन लिया जाता है सबऑर्डिनेट्स से, ठीक, कि कैसे किया जाए, क्या करना सही होगा, आप लोगों का क्या राय है, ठीक। ही विल इंकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन नाउअडेज। आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई लीडरशिप स्टाइल है तो ये है डेमोक्रेटिक लीडर। इसमें लोगों को कहा जाता है, इंकरेज किया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक। नेक्स्ट है इसमें लेसेस फेयर और फ्री रेन लीडर। फ्री रेन लीडर से ही नाम से ये डिनोट हो रहा है कि ही डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। वो तब तक क्या नाम है अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि उसे ये ना लग जाए कि बहुत ज़रूरी है। द फॉलोअर्स आर गिवेन अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव, कि अपने ऑब्जेक्टिव को बनाएँ और अपने हिसाब से उसे अचीव करें, ठीक, खुद एम बनाएँ, खुद टारगेट वो बनाएँ और खुद उसको अचीव करें। तो लीडरशिप स्टाइल्स में मीन्स इन द लास्ट वी कंक्लूड दैट कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अ लीडर मे चूज टू एक्सरसाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टाइल्स व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीडरशिप स्टाइल तो कोई नेता एक ही टाइप का लीडर हो, ठीक है। हर नेता जो है ये तीनों लीडरशिप स्टाइल जो है वो अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते किसी एक नेता की पहचान हो जाती है कि जनरली वो किसी एक टाइप को ही ज़्यादा फॉलो करता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है। वरना कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि किसी एक पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स पर पूरा जीवन भर चले। तो इसमें
ये कहा जाता है कि जो परफेक्ट लीडरशिप होती है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ दीज ऑल थ्री लीडरशिप स्टाइल। जैसे इस वेन डायग्राम में बताया गया है कि जो बीच का सबसे डार्केस्ट पॉइंट है वो परफेक्ट लीडरशिप है। ठीक, परफेक्ट लीडरशिप में तीनों का मिक्सचर होता है। फॉर इंस्टेंस वाइल डूइंग अ वर्क अ डेमोक्रेटिक लीडर मे हैव टू टेक हिज ओन डिसीजन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कि डेमोक्रेटिक लीडर है उसको कंसल्टेशन के हिसाब से डिसीजन लेता है जनरली उस स्टाइल में, पर हो सकता है इमरजेंसी में उसे खुद डिसीजन लेना पड़े। ठीक, तो वो खुद डिसीजन लेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक नेता अगर एक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहा है तो दूसरे लीडरशिप स्टाइल को वो कभी नहीं अपनाएगा। वो सिचुएशन के हिसाब से अपनाया जाता है, बट जनरली वो जो सबसे ज़्यादा फॉलो करता है तो वही उसकी पहचान बनती है। तो दिस वॉज ओनली फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू ऑल। ये जो टॉपिक है लीडरशिप का वो यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर में कम्युनिकेशन टॉपिक बचा हुआ है जो कि वो भी काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।